पहली बार नेशनल ज्योग्राफिक की टीम एक रिमोट आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी, जहां से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। जब वे लोग समुद्र के करीब पहुंचे तो आइलैंड के जंगल में कुछ अजीबोगरीब नंगे तड़ंगे लोग दिखे और उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक की शिप पर तीरों की बारिश कटा ली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वह उल्टे पाव वापस भागने पर मजबूर हो गए। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाते, आइए जानते हैं। इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है, जहाँ पर कई छोटे बड़े गाँव मौजूद है। नेट पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नजर आता है, जहां पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रोजाना दुनिया भर के जहाज यहां लैंड करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इंसानों की वह सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने जंगलों ने छिपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छिपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग तैस में आ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है, जहां ये हजारों सालों में रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, ये लोग बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक क्यों रखना नहीं चाहते, ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वह गिरोह है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था, तभी ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया और वो एक आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब साल 1789 में एक ब्रिटिश शिप एंड मेन आइलैंड्स पर आ पहुंचे, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नजर में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। अगले 78 सालों तक 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आयरलैंड जा रही थी तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो खराब हो गई। इसमें 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने समझा कि यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में इन्होंने कुछ दिन यहीं पर पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पर आकर खत्म हुआ था। अगले 13 सालों तक किसी ने भी वापस यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर साल 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि पोर्टमैन वो सारा एरिया खुद देखना चाहते थे जिसकी वह क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वह कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान आइलैंड्स लेकर आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छे पैगाम के साथ, अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वह खोए हुए कबीले से अच्छा कॉन्टेक्ट बना सके, उनको ये एहसास दिला सके कि वह भी हमारी ही तरह इंसान है। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिन तक कबीले से छिपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके चार बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया
और उनको अंडमान आइलैंड पर लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नई थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसको अपना प्लान फेल होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है, हमने सेंटिनल्स के दिल में मजीद खौफ डाल दिया है और ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी पॉसिबल है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के मजीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से नॉर्थ सेंटिनल के इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा बढ़ गया। अगले कई सालों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो उसको कबीला मारकर उसकी लाश को वहीं लटका देता था, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान आइलैंड्स तक का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यहाँ रहने और बसने वाले तमाम लोग अब इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाला कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को तो ये मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से एक पीसफुल कॉन्टेक्ट किया जाए। 1967 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने ये काम अपने सिर लिया। वह आइलैंड के इर्द गिर्द चक्कर काटते और गिफ्ट फेंकते जाते। वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाही जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वह आइलैंड के और ज्यादा करीब जाकर गिफ्ट रखेंगे जो लहरों से तैर कर साहिल पर पहुंच जाएंगे। पहले वह कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। 3 दिनों तक वह गिफ्ट फेंकते रहे लेकिन जब वह साहिल के करीब गए तो उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। कबीले के फाइटर्स ने उनके सामने गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर दी, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास उल्टे पाव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर ही कुछ फोटोज वो दूर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पहली और आखिरी फुटेज है। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित यहाँ फिर भी आते रहते और कबीले को दूर से ही गिफ्ट देकर वापस चले जाते। कई सालों के बाद आखिर एक दिन वह कबीले से दोस्ताना कॉन्टेक्ट बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी कैप्चर की जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट लेते भी देखा गया। पंडित ने अपने जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला को भी इस मिशन पर लगा लिया, जिनको भी कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। कई सालों तक ये फ्रेंडली माहौल चलता रहा लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पर आकर फंस गई। ये पनामा में रजिस्टर्ड MV प्रिमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग आइलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कॉन्टेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के समुद्र पर मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है। एक बात तो क्लियर है कि किसी भी रीजन की वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग अगर किसी पर रहम दिल रहे तो वो है त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी जूनियर मधुबाला। लेकिन जब पंडित रिटायर हुए तो इंडियन गवर्नमेंट सेंटिनल आइलैंड के तमाम फ्यूचर रिजल्ट कैंसिल कर दिए और आइलैंड को सील कर दिया गया। तब से लेकर इंडियन नेवी के शिप्स इसके आसपास पेट्रोलिंग करती है। किसी को भी किसी भी वजह से यहां जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। 2006 में दो मछेरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे, उस एरिया में जो दूसरे मछेरे फिशिंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछेरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडीज को बीच के किनारे लटका दिया। इस वाक्य के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साल जॉन एलन ने
यहाँ छुप छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट पर अनमान आयरलैंड पहुंचे और कुछ मच्छेरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पर गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वह आइलैंड तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वह जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वह इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का ऐसा आइलैंड है जहां पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहां रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छिपा रहे हैं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।